गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं अपने टाइम पे उठ चुका हूँ। तो बनाते हैं अपना टू डू लिस्ट और चलते हैं जिम। तो भाई आज के टू डू लिस्ट में है कैलकुलेशन 15, एडिशन 15, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 1 से 50, क्यूब 1 से 30, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, वोकैब 350 से 400, करंट पब्लिकेशन से रिवीजन करनी है, एंटोनिम्स, इनोनिम्स, इडियम, वन वर्ड्स, इडियम्स, स्पेलिंग, फिर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स लेने हैं आदित्य रंजन सर से, 5 5 क्वेश्चन मेरे प्रीवियस चैप्टर के लगाने हैं, इंग्लिश में 50 मिनट रीडिंग करनी है, अमन भाई सर के नोट्स रिवीजन करने हैं, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, फिलअप्स 10 10 करने हैं, कॉम्प्रीहेंशन सेंटेंस एंड क्लोज टेस्ट 2 2 करने हैं, और रीजनिंग में 25 25 क्वेश्चन के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है। और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको किसी भी टीचर का कोर्स चाहिए हो या बैच चाहिए हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। मैं अगर मेरे पास होगा उस टीचर का तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मगर अमन सर का जो है बैच वो बस पेड है, उसके अलावा जो भी मेरे पास होंगे सारे के सारे फ्री ही मिलेंगे आपको। तो भाई चलते फिर जिम। तो दोस्तों आज का टू डू लिस्ट तो आपने देख ही लिया कि क्या करना है। तो अब जा रहे हो वर्कआउट करने जिम। वर्कआउट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर जिम पे। आज भाई आया नहीं, अकेला आया हूँ क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो वो अभी थोड़े कुछ दिन तक नहीं आएगा तो अकेले आए हैं। वर्कआउट अकेले करेंगे, पहले भी अकेले ही करता था। तो चलो चलते हैं फिर। तो वर्कआउट हो गया फिनिश। तो अपना जो पानी बचा हुआ 1 लीटर अपना उसको इनटेक करके और चलते हैं घर वापस। तो भाई घर आ गई और अब हमारा वेट देखो कौन कर रहा होगा। हमारा वेट कर रहा होगा हमारा जिमी आ रहा होगा। देखो भाग के दिखाता हूँ जिमी। आ गया। चलो 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 आया हूँ घर। अरे मम्मी साफ़ आ रही है, देख रहे हो, इसलिए लाइब्रेरी जाता हूँ मैं हर रोज, कुछ ना कुछ काम मिल जाता। देखो ये रहा, चढ़ जाओ इस पे। गंदा भी तो बहुत हो रहा, देख कितना गंदा हो रहा है। देख रहे हो भाई, दिल्ली में इतनी गंदगी है और तुम बोलते हो दिल्ली आज चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। कोई फायदा नहीं भाई दिल्ली आके, मैं खुद बाहर नहीं भागने की सोच रहा हूँ दिल्ली से। ये देखो हमारा जिम्मी, इसको बॉल मिल गई है, ये देखो। तो यार आज तो कुछ है नहीं अच्छा खाने को, अच्छा मतलब हेल्दी। तो आज बिस्किट, फैन या रस, जो भी रस और थोड़ा पीनट बटर लेके बैठा हूँ। और ये बैठी है खाने के उसमें कि भाई मेरे को भी मिलेगा। बॉल से खेल रही थी और उठा के अभी यहाँ आ गई है। तो करते हैं इसे फिनिश और चलते हैं लाइब्रेरी। तो भाई लाइब्रेरी आ गया हूँ और पता नहीं समझ नहीं आ रहा, फ़ोन पता नहीं क्यों हल्का हल्का लैग होने लग जाता है। लग रहा है आईफोन लेना पड़ेगा पापा के पैसे से। नहीं यार, जो फ़ोन चल रहा है चलता रहेगा, कोई अलग से फ़ोन नहीं डालना। और भाई ये थोड़ी वॉइस ओवर करना पड़ता है मेरे को लाइब्रेरी में, हम बोल नहीं सकते इसलिए। और ये रही मेरे डेस्क। तो करते हैं अपना आज का कार्यक्रम शुरू। सबसे पहले था कैलकुलेशन 15 एडिशन 15 मल्टीप्लिकेशन। तो भाई ये मैं ऐसे करता हूँ ठीक है। और अगर किसी को इसका प्रैक्टिस ऐप चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको डायरेक्ट भेज दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद किया मैंने स्क्वायर एंड क्यूब्स लर्न। तो ये मैंने अपना डायरी के पीछे लिख रखे हैं। अगर आपको भी इसका प्रैक्टिस ऐप चाहिए, मतलब इसका भी प्रैक्टिस ऐप चाहिए, तो वो भी टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर
आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझको मैसेज कर दो, मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ से डाउन करके फिर उसे यूज़ कर लेना। फिर उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन और पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये दोनों भी मैंने कॉपी का पेज रखे हैं, पर इसका कोई ऐप वैप नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। आप गूगल से उसको नोट करके कहीं पर नोट कर सकते हो और वहाँ से उसको हर रोज़ रिवीजन याद करते रहो और फिर उसका रिवीजन करते रहो। ये चार पांच चीज़ें जो हैं ये भाई सबको ज़रूरत पड़ती है, यूपीएससी तक में ही ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। फिर उसके बाद हमारी वो कैब 350 से 400 किरण पब्लिकेशन की बुक से, तो ये मेरे को करनी है और ये मैं करता हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक से। तो ईडियम्स पे वो वन वर्ड्स पे पहुँच चुका था, तो वन वर्ड्स करे और रिवीजन चल रहा था मेरा अब, तो इस पर टिक लगाते हैं और करके फिर चलते हैं अपना घर, क्योंकि भाई भूख लग रही है और टाइम हो चुका है अपना। घर आ गए और इसको देखो, ये देखो इसको, हाँ देख देख रहे हो, देख रहे हो, खड़ा रह रहा तो मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से, खड़ा रह। चलो आ जाओ जीवी, आ जाओ, तो भाई आज के खाने में है शिमला मिर्च, खीरा, पुलाव, बूंदी का रायता जिसमें चटनी वगैरह ऐड है और रोटी। तो ये मेरा आज का लंच है। और भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि अपने खाने में थोड़ी रॉ सब्जी ऐड करो या फिर सलाद ऐड करो, वो ज़्यादा फायदेमंद होती है शरीर के लिए। तो भाई लाइब्रेरी आ गए हैं वापस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर से, जो कि मैं ले रहा हूँ आदित्य रंजन सर से। पहले और टीचरों से लेता था, अब आदित्य रंजन सर पे वापस आ गया हूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो इनके अलावा किसी का समझ नहीं आता। और राव सर से पढ़ लिया, गगन सर से पढ़ लिया, मेरे को समझ नहीं आया, लौट फिर करके दोबारा आदित्य सर से आ गया मैं वापस, इन्हीं से करूँगा अब। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। तो पहले मैंने ये दोनों कंप्लीट करे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्वेश्चंस मैं लास्ट में ही करूँगा, पहले ये सब ख़त्म कर लेता हूँ। तो पहले मैंने ये दोनों कंप्लीट करे और फिर इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया ये कॉमन एरर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप 10-10। तो ये मैंने कॉमन एरर से स्टार्ट किया, काफ़ी सारे मतलब 80 के आसपास तो हो चुके थे पहले के, अब उसके आगे करने हैं। तो क्लोज टेस्ट करना है, फिर करना है वो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिर उसके बाद फिलअप्स। तो इन पे टिक लगाते हैं और करते हैं इनको ख़त्म। फिर ये कंप्लीट करने के बाद फिर आ गया आदित्य वो अमन अमनवर सर के नोट्स रिवीजन की। तो अमनवर सर के नोट्स रिवीजन करे, क्योंकि यहाँ पर नोट्स हैं ये पेड है, तो इससे मैंने ये मतलब रिवीजन किया, जिसमें मेरे को एडवर्ब स्टार्ट किया था मैंने, मतलब थोड़ा एक बार तो थोड़ा सा कर लिया था, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करने कर लिया। फिर इसके बाद मैंने करा रीजनिंग, 25-25 क्वेश्चन के दो सेट मॉक टेस्ट मतलब। तो ये 14 और 15 ये दो करे, तो इसमें एक में 50 आए मेरे पूरे, मतलब खुशी हो रही है कि कोई एक पहला मॉक आया जिसमें मेरे अब फुल आउट ऑफ फुल आए। तो रीजनिंग में एक में आ गए 50 और एक में कम आए थे, शायद 43 के आसपास थे मार्क्स, याद नहीं है। फिर उसके बाद ये तो मेरे से हुए नहीं आज, टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चल रीजनिंग ही कर लेते हैं। तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स बचे थे, जैसे एनोलॉजी और ये सिंप्लिसिटी, सिमिलैरिटी और एक क्लासिफिकेशन, और एक और दो तीन टॉपिक बचे थे, तो वो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी फिनिश करके और फिर निकल गया मैं अपना घर के लिए वापस। तो भाई घर आ गए हैं और ये हमारा जिम्मी हमारा वेट कर रहा है, देखो गेट पे ही, गेट पे ही खड़ा, गेट पे ही खड़ा। अरे भाग गया, अरे आया देख। भाई कल के टू डू लिस्ट क्या है? कल का टू डू लिस्ट में टास्क मेरे हैं
कैलकुलेशन 15 एडिशन 15 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 150, क्यूब 130, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो कैब है 400 से 450, किरण पब्लिकेशन की बुक है जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम, स्पेलिंग। इंग्लिश है 50 मिनट की रीडिंग। और जो बोलते हैं भाई रीडिंग किससे करते हो, भाई मैं न्यूज़पेपर के सेक्शन आता है, क्या कहते हैं क्रिकेट का सेक्शन या फिर स्पोर्ट्स का सेक्शन, वो पढ़ता हूँ मैं। और फिर है अमन वासी सर के नोट्स रिवीजन, और फिर है कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, फिलअप 10 10, कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस और क्लोज टेस्ट 2 2, और फिर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के मेरे को लेक्चर्स लेने हैं भाई आदित्य रंजन सर, पाँच पाँच क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस चैप्टर के जो मैंने आज नहीं करे कल करूँगा, और रीजनिंग में मेरे को 25 25 क्वेश्चन के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये मेरा कल का टू डू लिस्ट है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिसको भी भाई अगर किसी भी टीचर का बैच चाहिए तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको दे दूंगा अगर मेरे पास होगा तो। बस आदित्य कह रहा हूँ, अमन भाई सर का जो लेक्चर है, लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ पेड है, बाकी आपको सारे के सारे फ्री मिल जाएंगे। तो भाई आज के डिनर में है खीरा, और ये खिचड़ी है सुबह की, खिचड़ी होती है, हाँ वही होती है रोटी, और दाल है ये पीली वाली, अब मुझे नहीं पता कौन सी वाली दाल है ये, पीली चने की, और ये है चटनी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, धनिया, पुदीना, आंवला और दही और मिर्च मसाले, पता नहीं क्या क्या ये सब है, और एक ये है खाने में, ये हमें खाएगी, ये देख देख रहे हो, देखो ये देखो देखो, मारना है स्टार्ट पैर इसको, देखिए खीरे देखो, दिखाऊं ये देखो, खत्म ऐसा भाई हमारा कुत्ता। तो दोस्तों आपने व्लॉग तो देख लिया होगा आज का मेरा, तो मेरे आज के टास्क सारे कंप्लीट हो गए, बस मेरे पांच पांच क्वेश्चन जो प्रीवियस पांच पांच क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस चैप्टर के वो काफ सिर्फ बचे हैं। तो क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा था क्वेश्चंस करने का, और मैं घर भी आज बहुत जल्दी आ गया, 7 बजे ही मैं घर पे आ गया था आज, और फिर मेरा मन नहीं कर रहा, सर भी दर्द हो रहा था और नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो घर चलते हैं रेस्ट कर लेंगे, फिर मैं इसलिए घर पे जल्दी आ गया, तो आज मेरा वो चीज़ रह गई। और कोई नहीं, टास्क तो हम कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कई बार रेस्ट भी चाहिए होता है। और फिर देख, तो भाई कैसा लगा व्लॉग्स मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। अब तो मैं ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो से बोल ही रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोला था, पर भाई कोई उस गुड्डे पे फोकस मत करना, वो मेरा नहीं है, सिस्टर का है। तो भाई ये था आज का व्लॉग, तो फिर मिलते हैं, गुड नाइट, बाय, पढ़ने पे ध्यान दो।